अभी हमारे साथ बिहार के एक 8वीं पास मजदूर हैं जो गैरेज में काम करते हैं, गाड़ी धोने का काम करते हैं आप, और अपने प्रतिभा से लगन से आपने एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाया है, मोटरसाइकिल बनाई है, जो देखने में साइकिल और मोटरसाइकिल का कॉम्बो यानी मिक्सर लगता है, यानी मिश्रण लगता है। सिर्फ 5-8वीं तक आपने पढ़ाई किया है, इतना शानदार इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कैसे बना दिया आपने? मैंने कबाड़ में गाड़ी पड़ा हुआ था, एक इलेक्ट्रिक स्कूटी, उसी हाँ। को काट के मैंने बनाया। इलेक्ट्रिक स्कूटी कबाड़ में पड़ा हुआ था, बेकार पर हो गई थी, बेकार हो गया था हाँ। तो उसी को काट करके मैन्युफैक्चरिंग करे हैं अपने से। हाँ, कितना लागत आ गया इसमें? इसमें पूरा लागत न्यू बनाया जाएगा ना, 35,000 का लागत आएगा। 35,000 का? और कितने दिनों में तैयार हो गई ये? ये वही 15-20 दिन में। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? 8वीं तक। 8वीं तक। पापा क्या करते हैं? पापा पहले ठेला रिक्शा के मिस्त्री थे हाँ। तो ठेला रिक्शा बंद हो गया, तो हाँ। वाशिंग का दुकान खोले हैं अपना। वाशिंग का दुकान खोले जी हाँ। और गाड़ी, आप भी गाड़ी धोते हैं? कार बाइक धुलाई का काम करते हैं, धोने का काम करते हैं? सब वाशिंग करते हैं हम। वाशिंग करते हैं हाँ। और इतना दिमाग कैसे आ गया, कैसे ये सब कर लिया? इसे करने के लिए तो बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है, लेकिन आप सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई किए हैं। पड़ता है नहीं, खाली टैलेंट का जरूरी होना चाहिए, पढ़ाई भी जरूरी नहीं है। टैलेंट होगा तो सब कुछ हो सकता है। कैसे आ गया इस लड़के में ये बताइए? ये जो है सो हाँ। ये दिमाग कुछ लगाया गया, ठीक है, ये हाँ। गरीबी का जिंदगी जीता था हाँ। ठीक है, वही जो है कबाड़ में गाड़ी पड़ा हुआ था तो हाँ। ये बना लिया हाँ। तो ये कबाड़ी से सारा सामान जो है सो हाँ। जोड़ते और बनाया। कबाड़ी से? कबाड़ी से हाँ। बिल्कुल ये कोई काम का नहीं था, बेचता तो 1,500 रुपये में बिक जाता, ठीक हाँ। है, वही बनाया, मतलब पड़ा हुआ था इलेक्ट्रिक स्कूटर जी जी हाँ। तो ये बनाया लड़का, दिमाग लगा करके बहुत मेहनत किया है, अच्छी बात है। आप देखिए, आप लोग का ठीक रहेगा तो ये आगे बढ़ाइए, आगे बढ़े। कोई सपोर्ट अभी तक नहीं आया? अभी सपोर्ट कोई नहीं आया, कोई सपोर्ट नहीं जी। मजदूर लड़का है हाँ। गरीब घर का है। क्या करता है? गाड़ी सर्विसिंग सेंटर पर गाड़ी धुलाई करता है, गाड़ी धुलाई का काम करता है जी। और ये क्या है इसमें, ये बताइए थोड़ा, क्या क्या लगाए हैं इसमें? ये पीवीसी पाइप है, इलेक्ट्रिक स्कूटी का चक्का है, जो बेकार पड़ी हुई थी जी, बेकार पड़ी हुई थी। साइकिल का फ्रेम है, साइकिल का फ्रेम है जी हाँ। और सबको तैयार कर दिया आपने? खुद से वेल्डिंग किया है या कहीं और करवाया? नहीं, खुद से वेल्डिंग, खुद से वेल्डिंग की जी। और इसका ऑडोमीटर को? ये मीटर है, ई रिक्शा का मीटर है, ई रिक्शा का मीटर जी। बुलेट का हेडलाइट है हाँ। अगर और इस पे एक साथ कितने लोग बैठ सकते हैं? एक साथ ऐसे 2-3 बंदा बैठ जाते हैं हाँ। एक साथ 2-3 लोग आराम से, आराम से। और सिंगल चार्ज पे कितने किलोमीटर चलती है? एक बार चार्ज करते हैं तो कितने किलोमीटर चलती है? एक बार चार्ज करते हैं तो 50 किलोमीटर चलती है, 5 हाँ। रुपया के बिजली खर्चा होता है, मात्र 5 रुपये के बिजली खर्चे पे 50 किलोमीटर, मतलब तो कमाल ही कर दिया एक तरीके से। और स्टार्ट कैसे होता है ये? स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चाबी से ऑन करना पड़ता है। ऑन किया, ऑन हो गया हाँ। और नाम इसका तेजस दिया आपने, इलेक्ट्रिक तेजस बाइक, इलेक्ट्रिक तेजस जी। तेजस नाम देने के पीछे का क्या? भारतीय सेना के विमान है वो, वही ख्याल आया तो वही दे दिए नाम हाँ। जी, देश से भी प्रेम है बहुत ज़्यादा, क्या लगा देख करके? ये लड़का का जो हुनर है अनोखा है, बहुत अच्छा है, अनोखा है जी। ऐसा सा होना चाहिए, सब चला सकते। चोरी करना चाहे? चोरी भी नहीं कर सकता है। कैसे? मान लीजिए आप चुराने का यहाँ से लेके भागने का प्रयास कीजिए, नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं हाँ। अगर मान लीजिए भाई साहब आए, आप कहीं दूर है, ये चोरी करना चाहे, इसको चोरी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते नहीं, साइरन मारने लगेगा हाँ। जैसे मान लीजिए भाई साहब लेके जाना चाहिए, इसे ले जाइए चार करके, जैसे हुड़का के ले जाइए, हुड़का करके हाँ, तो ये आवाज़ करने लगे, गाड़ी लॉक हो गई, गाड़ी लॉक हो गई, पूरा लॉक हो गया हाँ जी। नहीं जा रही आगे, आगे नहीं जा रही, नहीं जा रही। ये सारी चीज़ें आपने खुद से किया है? खुद से, अपने से तैयार किया है हाँ। खुद से, मतलब चोरी कभी? चोरी भी नहीं हो सकता, मतलब कोचिंग के अंदर जाइए पढ़ाई करने के लिए या फिर बैंक में जाइए, कहीं भी चले जाइए, कोई बाहर से चोरी नहीं कर, कोई बाहर से चोरी नहीं कर सकता, सेफ्टी भी है, सेफ्टी भी। ये सब कैसे कर पाए बताइए? ये सब दिमाग लगा के किए हैं, दिमाग लगा के। तो कहानी बताइए, लोग जानना चाहेंगे कि एक 8वीं पास मजदूर ने ऐसा कैसे कर दिया? ऐसा ही मन में ख्याल आया कि बढ़ती पेट्रोल की कीमत से परेशान हो रहे थे, बड़ बाजार नहीं घूम पा रहे थे, ऐसा चीज़ बनाया जाए कि बड़ बाजार सब तरह घूम पाए, दोस्त मिल के बना दिया, इलेक्ट्रिक बाइक बना दिया, जो साइकिल और मोटरसाइकिल का, मोटरसाइकिल का मैचिंग सब सामान दोनों को मिक्स करके बनाया है। जैसे हैंडल इसका साइकिल का, साइकिल का हैंडल है हाँ। और बताइए, शॉकर है स्कूटी का, चक्का है स्कूटी का जी,
बुलेट का हेडलाइट है, बुलेट का हेडलाइट जी, ई रिक्शा का मीटर है, ई रिक्शा का मीटर है जी। बहुत अच्छा चीज बनाया है, कोई सपोर्ट नहीं मिला है सर। ये मान के चलिए मजदूर लड़का है, ये बनाया गाड़ी धुलाई कर रहा था, सोचते सोचते एक दिमाग में आया इसको हम इलेक्ट्रिक बाइक बनाएंगे। पेट्रोल के लिए पैसा नहीं था ये लड़के के पास में, पुरता तो नहीं, वही के लिए अपना ये 5 रुपया बिजली बिल के कारण जो है बिजली बिल पर 5 रुपया चार्ज से चार्ज हो जाता है। 50 किलोमीटर चलाता है, 50 किलोमीटर चलाता है जी सर। वही सब पब्लिक लोग बोलते हैं कि मिसाइल है, तोहफा है, चाहे CNG बोलते रहते हैं। नहीं तो हम इलेक्ट्रिक बाइक बनाए हैं, बैटरी किसी में अंदर में, बैटरी इसी में। एक चार्ज में कितना किलोमीटर चलता है? एक चार्ज में 50 किलोमीटर। और एक चार्ज करने में कितने रुपए का बिजली खर्च? 5 रुपया के बिजली खर्चा के लिए 50 किलोमीटर चढ़िए। हाँ जी। और स्पीड क्या होता है ये बताइए? टॉप स्पीड 50 है। 50 है पूरा, फुल स्पीड 50, फुल स्पीड 50 है, 50 किलोमीटर चाहिए। हाँ, मात्र 5 रुपए में, 5 रुपया में 50। तो अभी आपने देखा कि बिहार के समस्तीपुर का एक लाल जो कि गैराज में काम करता है और गाड़ी धोने का काम करता है, और अपने प्रतिभा और हुनर से एक कबाड़ में पड़े ख़राब इलेक्ट्रिक स्कूटर को बाइक बना के तैयार कर दिया है, और जिसकी कीमत लगभग 35,000 रुपये आई है। और इस लड़के को अभी तक सपोर्ट नहीं मिला है, बाकी अगर सपोर्ट मिलता है तो ये लड़का और भी कुछ बना सकता है। क्या बना सकते हो, क्या क्या? एक सोचे है कि इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर भी तैयार करेंगे। हाँ जी, लाइसेंस लगेगा ना, कोई कागज़ भी लगेगा। हाँ, एक बार चलाइए आराम से 5 रुपये की चार्ज पर, एक बार चार्ज कर लीजिए 5 रुपए में। हाँ, और 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चलाइए। हाँ। पापा क्या करते हैं? पापा पहले ठेला रिक्शा के मिस्त्री थे, तो पापा लोग भी, हम लोग भी पापा लोग जोड़े रहते थे। हाँ। ठेला रिक्शा बंद हो गया ना। हाँ। तो ठेला रिक्शा बंद हो गया, तब पापा अपना वाशिंग का गैरेज खोले हैं। हाँ। तो वही काम करते हैं जोड़े, पापा के साथ यहाँ पे काम करते हैं जी। साथ यहाँ से 35 किलोमीटर दूर गए थे, वहाँ बहुत बहुत फोटो खिंचाया, वीडियो बनाया, थाना भी धरा, फोटो वोटो खिंचाया, पुलिस पकड़ लिया था। हाँ। क्या बोला था पुलिस? बस एक सेल्फी लेना है, वीडियो शूटिंग करना, बहुत अच्छे किए बाबू। हाँ। यूनिक चीज बनाते रहो। हाँ। आगे बढ़ देंगे, मजदूर आदमी हो। मतलब पुलिस भी देखती है तो रोक लेती है और फोटो खिंचा देती है साथ में? सेल्फी उल्फी लेते हैं। हाँ। पुलिस उलिस भी रोक के। हाँ। बाबू कहाँ कैसे बनाया, और बनाओ आगे बढ़ेगा। हाँ। ये बहुत बात बोलते हैं, बहुत बात बोलते हैं। इसमें जो आपने लगाया है ये सारी चीज, ये आपने बुलेट से? ये बुलेट का हेडलाइट है, ये हीरो स्प्लेंडर का मोटर गार्ड है। अच्छा जी। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी का चक्का है। हाँ। इलेक्ट्रिक स्कूटी का शॉकर है। हाँ। ये इंडिकेटर है लचीला। हाँ। और इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है, इसमें बैटरी लगा हुआ है लिथियम फॉस्फेट। हाँ। अपने से बना के लगाए हैं, खुद से बना के लगाए, खुद से बना के लगाए। अच्छा, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं कहीं देखने के लिए रुक जाते हैं जी, इतना आकर्षक है ये जी। हाँ। बहुत लोग देखने आते हैं। सपोर्ट मिला कि नहीं अभी तक? सपोर्ट अभी तक कौन से नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, मिलेगा तो आगे तक बढ़ेंगे। और क्या क्या बनाने के बना सकते हो अगर सपोर्ट मिला तो? बहुत कुछ बनाते हैं, अगर सोचे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर तैयार करेंगे। फोर व्हीलर भी जी? हाँ। 60 से 70 हज़ार के लागत में, 60 से 70 हज़ार रुपये की लागत में। वो कितने किलोमीटर तक चार्ज करते हैं? 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। एक बार चार्ज करने में कितने रुपये की बिजली खपत होता है इसमें? एक बार चार्ज करने में 5 रुपये की बिजली खर्चा कीजिए, 50 किलोमीटर चलिए। 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। मोटरसाइकिल में तो 100 रुपया लग जाएगा? हाँ, मोटरसाइकिल में 100 रुपये के पेट्रोल भराने पर 50 किलोमीटर चाहिए, इसमें 5 रुपये खर्चा कीजिए, 50 किलोमीटर चाहिए। हाँ जी। बाइक लीजिए बैटरी वाला स्कूटी तो 80-90 हज़ार रुपये पड़ जाता है। हाँ। अब वो भी जो है सो साल भर में बेकार हो जाता है। हाँ। ये साल भर का वारंटी दिया जाता है आपका बैटरी का। अच्छा, आप बेचते भी हैं? बेचते भी है। अच्छा, अगर आप ऑर्डर कीजिएगा तो मैं देंगे बना करके, वो भी जो है सो 40,000 में बिक्री होगा। ठीक है, बैटरी का वारंटी साल भर की मिलेगा आपको। ठीक है, और जो है बैटरी का वारंटी 4 साल भर का मिलेगा। हाँ। 5 रुपया के चार्ज पर 50 किलोमीटर चलेगा। हाँ। ठीक है, उसके बाद सब बनाया गया है साइकिल, कोई प्रशासन नहीं पकड़ेगा, ना कोई कागज़ खोजेगा, ना लाइसेंस खोजेगा, ना हेलमेट खोजेगा, कुछ भी नहीं खोजेगा। हाँ। सेफ्टी के लिए आप हेलमेट लगा सकते हैं। हाँ। जी। टॉप स्पीड इसकी कितनी है? टॉप स्पीड 50 है। आप सभी लोग देखने के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल देखने आ गए जी? हाँ? देखने के लिए आ गए। ये बैठ सकते हैं, इनका वजन तो ज़्यादा लग रहा है। हाँ, बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बैठ सकते हैं इस पर। हाँ, टूटने वाला नहीं है? नहीं टूटेगा। हाँ, नहीं टूटेगा, पक्का? पक्का। कितना वजन है आपका? 80 किलो, 80 केजी, नहीं टूटेगी? नहीं, 1.5 क्विंटल लोग वजन संभाल सकते हैं। 1.5 क्विंटल तक? हाँ। बैठ के, बैठा के हम घुमा सकते हैं? घुमाइए थोड़ा सा। अभी ये लड़का ही नहीं है, घुमाएगा। हाँ चलो, अभी देखिए कितने लोग यहाँ पे भीड़ लगा लिए। इनका 80 केजी वजन है और लड़का का वजन भी 50 केजी के आसपास होगा, और आप देख सकते हैं कि
अभी आप अभी इस पे बैठे जी, कैसा लगा, क्या लग रहा? अच्छा लग रहा है। स्पीड क्या था? स्पीड ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक, मतलब 80 केजी आपका वजन और हमारा वजन? हमको वजन वही 45-40 किलो। 40-45 केजी। तो इस लड़की की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस लड़के को कोई सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट के लिए आगे आ जाए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।